उपचुनाव में हार के बाद कांग्रेस अब आने वाले चुनाव की तैयारियां कर रही है और इसी कड़ी में कांग्रेस अब जल्द ही एक बैठक भी करने वाली है। पूर्व मंत्री अरुण यादव ने इस बात की पुष्टि की। देखिए खास रिपोर्ट। पूर्व मंत्री अरुण यादव शुक्रवार देर रात आष्टा पहुंचे, जहां अलीपुर बाईपास पर कांग्रेस नेताओं ने उनका स्वागत किया। पूर्व मंत्री यादव आष्टा के कांग्रेस नेता सरपंच राजेश यादव के ताऊ को श्रद्धांजलि देने पहुंचे थे। उन्होंने सरपंच यादव के गांव पहुंचकर दिवंगत आत्मा को श्रद्धांजलि दी। उन्होंने सीएम शिवराज सिंह चौहान द्वारा दिए गए बयान पर निशाना साधते हुए कहा कि जब देश की कोई मूल समस्या होती है और उस पर सवाल किया जाता है तो भाजपा नेता अनर्गल बातें करते हैं। कंप्यूटर बाबा और भोपाल विधायक आरिफ मसूद पर कार्रवाई को भाजपा की द्वेष भावना बताया। तमाम उपचुनाव में माननीय कमलनाथ जी के नेतृत्व में हमने काम किया, जो जनता ने जनादेश दिया उसको हम स्वीकार करते हैं, सर माथे पर रखते हैं। आगे जो भी कार्य योजना है उसके बारे में हमारे माननीय अध्यक्ष जी और वरिष्ठ नेता इस पे चर्चा करेंगे और शीघ्र ही पूरे चुनाव को लेकर एक बैठक भी होगी। ये भारतीय जनता पार्टी का एक पुराना प्रोपोगंडा है जिसको लेकर वो काम करते हैं, और चाहे हमारी नेता सोनिया जी हों, चाहे राहुल गांधी जी, जो देश की मूल समस्या है, व्यवस्था है, उसके बारे में जब भी सवाल उठाया जाता है तब इस तरह की अनर्गल बातें भारतीय जनता पार्टी के नेताओं द्वारा की जाती है। देखा जाए तो पूर्व मंत्री ने बातों ही बातों में कहा है कि कांग्रेस अब आगामी चुनाव की तैयारियां कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, एमपी न्यूज़, आष्टा।